गोटे सुनरी गोटे में रूपेरी गोटे में जे रही गली तेरी माँ सुनरी गोटे सजी रही गली तेरी अम्मा सुनरी गोटे में अम्मा तेरे मुन्ने की अजब बहार अम्मा तेरे मुन्ने की अजब है बा चंदा जैसा मुकड़ा की जने जैसे हार अरे सुनो बच्चे की शक्ल तो बाप से बिल्कुल ही नहीं मिलती। हाँ मैंने भी देखा बच्चे की शक्ल बिल्कुल बाप से नहीं मिलती है। संजय तूने नीचे सुना औरतें क्या कह रही थी और मुझे भी शक है कि बच्चा तेरा नहीं है। मम्मी जी बोल किसका बच्चा है कहाँ से मुँह काला किया है तूने? ये आप क्या कह रही हैं? और संजय तुम चुपचाप खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी पर गलत इल्जाम लगा रही है कि हमारे बच्चे की शक्ल तुम पर नहीं जाती है। ये कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा बच्चा है इसकी शक्ल कैसे किससे मिल सकती है? प्रिया मेरी इतनी उम्र ये ऐसे नहीं हो गई है। अरे मैं बच्चे को पालने में देखकर बता सकती हूँ कि ये बच्चा किसकी चाल चलेगा। संजय तुम मानो या ना मानो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ठीक है तो तुम डीएनए टेस्ट करा लो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टॉप इट यार। मम्मी जी वैसे भी मुझे शुरू से तंग करती आई है क्योंकि मैंने दहेज नहीं लाया था और अब तो इन्हें नया तरीका मिल गया है मुझ पर प्रेशर डालने का ताकि मैं वापस अपने मायके जाऊं। हे भगवान अपना पाप छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। स्टॉप इट प्लीज। एक औरत चीख चीख कर अपने बहू पर यह इल्जाम लगा रही थी कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा उसके बेटे का नहीं यानी संजय प्रिया के बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं। हैरान करने वाले शब्द थे लेकिन इतने यकीन से क्यों मिसेस शुक्ला अपनी बहू प्रिया पर इल्जाम लगा रही थी? यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है जहां संजय शुक्ला एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और अपनी बीवी के साथ किराए के एक मकान में रहता था। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे हर खुशी उसके हर सपने को पूरा करना अपना फर्ज समझता था। दोस्त यार रिश्तेदारों की माने तो प्रिया और संजय बहुत ही लविंग कपल थे। कभी किसी ने दोनों के बीच किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं सुना था तो फिर क्यों अचानक ऐसी घटना सामने आई कि उसकी मां ने अपने ही बेटे के प्यार और विश्वास को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो व्हाट्स द प्रोग्रेस सर? आप इस साल के एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे तो सर, थैंक यू सर। फिर आ गया सर। हाँ प्रिया बोलो। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? आज घर कितने बजे वापस आओगे? रोज जितने बजे आता हूँ उतने बजे आऊंगा ना। मैं मीटिंग में हूँ अभी। खाने में क्या बनाओ? मैं बाद में बात करता हूँ। पर उससे पहले तुम्हें मुझे कहना पड़ेगा कि यू लव मी। हाँ से काम नहीं चलेगा। Say that you love me and followed by a kiss. Priya, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, okay? Fine. Love you, baby. Mwah. Sorry, sir. So, should we continue? Yes, sir. पूरा दिन मैं घर में अकेली बैठी रहती हूँ वो भी खिड़की से बाहर झांकते हुए यही सोचते कि तुम कब वापस आओगे। पर तुम हो कि तुम्हारे पास तो फुर्सत भी नहीं है मुझे कॉल करने की। प्रिया, मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? हमारे फ्यूचर के लिए ना। यही तो टाइम है कमाने का। मैं तुम्हें अपना खुद का घर खरीद के देना चाहता हूँ। कब तक रहेंगे हम लोग इस किराए के मकान में? मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहां पे प्यार हो। बेटा लड़कियों की गोद शादी के एक साल के अंदर भर जाती है। यहां तो 2 साल होने को आए। अरे कब बनूंगी मैं दादी?
कहीं कोई खोड़ तो नहीं? तो एक तो मैडम ससुराल भी खाली हाथ आई, दूसरी गोद भी खाली। अरे अगर कोई कमी है तो इलाज करवा इसका, नहीं तो। मम्मी जी आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप संजय को मेरे खिलाफ भड़का रही है ये कह के कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ दे? तुम तो कम से कम चुप करो। और माँ अगर बच्चा नहीं हो रहा है उसमें उसकी क्या गलती है? और अगर चेकअप होना ही है तो उसका क्यों, मेरा भी तो होना चाहिए ना। संजय प्रिया यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल कपल, कोई कमी नहीं है तुम में, बस एक छुट्टी की जरूरत है। मेरी सलाह है कि तुम दोनों को सेकंड हनीमून पर जाना चाहिए। हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं वो भी इसी सैटरडे को, चलो घर। घर नहीं मार्केट, हॉलिडे शॉपिंग भी तो करनी है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। नहीं नहीं आप चेक कीजिए ना, ऑनलाइन में आपको दिखेगा। अरे आप देखे तो सही, फाइल वही रखी है मैंने। अरे पर संजय। हाँ नहीं क्यों, ओके। कोई और साड़ी दिखाई है। अब वो काउंटर पे जो लड़का है वो कौन है? वो हमारे मालिक के बेटे मनीष है। अच्छा ये देखिए। ये भी पसंद नहीं आए, कोई और? हाँ ये वाली दिखाइए। हाँ बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। आई विल बी देयर। ओके ओके ओके। अच्छा सुनो, मैं वो टिकट्स बुक कर रहा था, कल की टिकट्स बुक हो चुकी है और ठीक शाम को 7 बजे हमें घर से निकलना है, ओके? और कोई साड़ी अच्छी लगी? ये वाली, कैसी लग रही हो? तुमने पसंद की तो अच्छी होगी। ये लो क्रेडिट कार्ड, पेमेंट कर लेना और मुझे ऑफिस जाना है, ओके? बहुत काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज प्लीज प्लीज। मास्टर जी कहाँ पे? मुझे एक्चुअली ब्लाउजेस कल शाम तक ही चाहिए। मैम इसी साड़ी के लिए ब्लाउज चाहिए आपको? जी हो जाएगा मैम, एक सेकेंड। हेलो, हाँ मास्टर जी, हाँ एक ब्लाउज चाहिए था अर्जेंट आज। अरे कल वल कुछ नहीं, मैडम को कल बाहर जाना है। अरे मास्टर जी चलो मैं एक काम करता हूँ, मैडम का माप और कपड़ा दोनों आपको भिजवा देता हूँ। ठीक है ठीक है, तो आप भेज दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ब्लाउज बहुत अच्छे से सिलना, मैडम की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो आप लड़का भेज दो। ओके हम, हाँ मैं नाप ले लेता हूँ। ठीक है हो जाएगा मैडम। तो नाप कैसे लेंगे? मैम मैं अपनी गारंटी से कह रहा हूँ, कल शाम से पहले ना आपको आपका ब्लाउज मिल जाएगा। मैं आपको नाप ले लेता हूँ, चलो आप। यही कर लेते मैडम, इतने सारे सेल्समैन खड़े हैं यहाँ पर और आप इतनी रिस्पेक्टेबल लेडी हैं, यहाँ थोड़ी माप ले सकते हैं। अंदर चलते हैं ना चेंजिंग रूम में। प्लीज प्लीज आइए आइए प्लीज। अरे काउंटर देखना, आइए प्लीज। अकबर फिदा दे, आइए इधर ही है बस सामने।
सॉरी थोड़ा छोटा है, पर हमारे पास कोई और जगह नहीं है ना माप लेने के लिए, तो इधर ही आना पड़ता है। आप ले सकते हैं ना नेक का ले लें पहले। हो गया? हाँ वो हो गया। मैम कल शाम से पहले आपको ब्लाउज मिल जाएगा मैम। आ गए तुम? रिया पेशेंस नहीं है, कल जा रहे ना हनीमून पे हम लोग, फिलहाल ऑफिस का इतना काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे वो सब खत्म करना है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ देते। मैंने सोचा घर आ जाता हूँ, तुम्हारी नजरों के सामने रहता हूँ, वरना फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दोगी तुम। किसी भी रिश्ते में उम्मीदों पर खरा उतरना इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और चुनौती भी, खास करके जब ये रिश्ता पति पत्नी का हो तो ये जिम्मेदारी बड़ी भी होती है और बेहद संवेदनशील भी। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वक्त के अभाव में कई बार व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी बहकने पर मजबूर कर सकती है। प्रिया अपने पति संजय के साथ उन पर्सनल मोमेंट्स को लगातार मिस कर रही थी। अक्सर हम ऐसे हालात का जिक्र करने से कतराते हैं, लेकिन दिल में दबी यही बात वक्त के साथ घुटन में तब्दील हो जाती है और यही घुटन कई बार रिश्तों की मर्यादा को खतरे में डाल देती है। प्रिया के साथ भी यही हो रहा था। वो खूबसूरत थी, उसे अपने पति का प्यार और अपनी खूबसूरती की तरफ तवज्जो चाहिए था और ये तवज्जो उसे कोई और दे रहा था। हेलो मनीष, मुझे मेरी ब्लाउजेस की डिलीवरी अभी तक नहीं मिली है। अरे मैडम जी, वो मास्टर जी आप ही के ब्लाउज पर काम कर रहे हैं, बस तैयार होते ही भिजवाता हूँ आपको। देखो मुझे अगर मेरे ब्लाउजेस आधे घंटे में नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। अरे मैडम जी आप प्लीज नाराज मत होइए, आप हमारे कितने इम्पोर्टेंट कस्टमर है आप नहीं जानते। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप बस पैकिंग शुरू कीजिए, मैं बस ब्लाउज तैयार होते ही ना खुद ब्लाउज लेके आपके घर आता हूँ। मैम साहब सारे कपड़े पेश कर दिए मैंने। थैंक्स। अच्छा मैं चलते हैं। ओके। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, किसी की नजर ना लगे। हनीमून मनाने जा रही हो? अच्छी तरह मना के आना। चल बेवकूफ कहेगी। अच्छा सुन, मैं निकलने के बाद घर का ध्यान रखना और प्लीज चाबी का सेट तुम्हारे पास है तो देख लेना सब कुछ, ठीक है? फिक्र मत करो। ओके मैं चलती हूं। बाय। हेलो संजय, तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? 4 बज गए, हमारी फ्लाइट 7 बजे की है। चलो जल्दी से निकलो, मैं तब तक कैब को बुला लेती हूँ, ठीक है? प्रिया होल्ड ऑन सुनो, देखो एक्चुअली हमें ये ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़ेगी, ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और बॉस ने सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। देखो मैं तुम्हें घर पे आके सब समझाता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।
जी वो आपका ब्लाउज, वो माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई, पर आप चीज देखिए बहुत खूबसूरत निकल के आई है। अंदर रख दो। अच्छा अरे ये क्या मैडम जी, आपने हमारी साड़ी ऐसे ही फेंक रखी है, आप तो कहीं जाने वाली थी ना, आप गई नहीं क्या? नहीं, माफ करना कि मैंने बेवजह आपको ब्लाउजेस की डिलीवरी के लिए प्रेशर डाल दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, आपने एक बार कहा था तो काम तो होना ही था, आप ना एक बार ब्लाउज का डिजाइन देखो आप खुश हो जाओगे, क्या डिजाइन तैयार किया मैंने आपके लिए, एक बार जरा देखिए, देखिए ना क्या खूबसूरत चीज निकल के आई है। मैडम जी चांद को सवारने का बस तो किसी में है नहीं, लेकिन हमने ना आपको सवारने के लिए ये नाकाम कोशिश की है, बस यूं समझ लीजिए मैडम जी कि हमने पूरा दिन लगाकर काम किया है आपकी खूबसूरती को और निखारने के लिए, आप प्लीज अगर एक बार ट्राई करके देखें तो आपको वापस दुकान पर भी आने की जरूरत नहीं है पड़ेगी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो, अब ट्राई करके रुको। अरे वो मैडम जी वो देर हो रही थी, हमें निकलना था तो वो ब्लाउज की फिटिंग अगर चेक कर लेते तो अरे मैडम जी हमसे क्या शर्माना, हमारा तो ये रोज का ही काम है, अगर अभी चेक कर लेंगे ना तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार चेक कर ले मैडम जी। ये लो ये 2 इंच ब्लाउज का फिटिंग। अच्छा यहां से मैडम जी शायद किसी ने आपको बताया नहीं है, हाँ वो गलता है आपका बदन हो गया वो मैम वो इंच टेप नहीं लाया था ना तो वो हाथ से ही नापना पड़ेगा, वो नाप लूं मैं हाथ से ही वो जल्दी करो जो कुछ करना है। हाँ जल्दी हो जाएगा। हाँ। क्या हो रही है? वो सर वो मैडम का ब्लाउज का माप लेने आए थे वो, अब मैडम वो नाप ठीक है अभी? वो नाप ले रहा था ब्लाउज का। ओके कैरी ऑन, तुम फ्री हो जाओ हम बाद में बात करते हैं। क्या मैडम आपके पतिदेव भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए, मैं उनकी जगह होता ना तो। तुम जाओ। जी मैडम। प्रिया
चुपचाप चले गए। मैं उनकी जगह होता ना तो। हेलो मैडम जी, मैं वो मनीष बोल रहा था, वो साड़ी की दुकान से। उस दिन वो सर जी आ गए थे तो वो ब्लाउज की फिटिंग चेक नहीं हो पाई थी ना, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप इधर ही वो साड़ी और ब्लाउज ले आते तो इधर ही मैं फिटिंग कर देता। मेरे घर पे ही आप आ जाते तो कॉफी भी हो जाती और वो फिटिंग भी जल्दी कर देता मैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मैं आपका, अगर आप आ जाओगे तो। आप आ जाओगे ना, आपके घर से बहुत पास ही है मेरा घर। क्या बात है संजय? हेलो सर। आज तुम्हारे घर से फोन दिया, रिकॉर्ड उड़ गया भाई। सर वो वाइफ थोड़ा नाराज है, एक्चुअली घूमने जाने का प्लान था और प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए सर मैं खुद उसके कॉल्स मिस करता हूँ। सर सच बताऊँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम एक काम करो, अगले हफ्ते छुट्टी ले लो और जाओ। अभी जाके तुम्हारी वाइफ को फोन करो, नितिन तुम्हारा काम संभालेगा। तुम अच्छे नहीं लगते जब तक भाभी जी तुम्हें फोन करके तंग ना करें। कम ऑन, जाओ अपनी वाइफ को फोन करो और उसे एक खुशखबरी दो। जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो मैडम जी, आइए प्लीज अंदर आइए, आइए आइए। अपना ही घर समझिए इसे, आइए अंदर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच्ची। मैं जानता हूँ कि आप आज बहुत उदास हो। अब वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन मैंने देखा आपके हस्बैंड को आपकी कद्र नहीं है, बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करते हो आपसे। शायद आपको आपको टाइम भी नहीं देते हैं, है ना? मैडम जी, आपको पता है आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके हस्बैंड ने आज तक पूरी तरह से नजर भरकर आपको देखा तक नहीं है। आप पर ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। अब आपको कोई नहीं रुलाएगा, कोई नहीं। और वैसे भी आपको पता है मैडम जी, आपको ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। आपकी आंखें, आपके होंठ, आपके ये बाल, ऐसा लगता है उसने आपको बनाकर वो साँचा ही तोड़ दिया है। सच कह रहा हूं मैडम जी, बिल्कुल सच। मैडम जी अब हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है मैडम जी?
हालात कहें या मजबूरी, धोखा या छल, वजह कोई भी हो पर प्रिया की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक नई कहानी ने जन्म ले लिया था जिसका नाम था मनीष। शादी के वक्त पति पत्नी के साथ सात फेरे लेकर यह वचन लेती है कि वो जीवन भर उसके साथ वफा करेगी। यही वचन पति भी लेता है, लेकिन वफा, ईमानदारी, लॉयल्टी, इन शब्दों की परिभाषा क्या है? कौन तय करता है? हेलो, सुनो ना, मुझे मिलना है तुमसे थोड़ी देर के लिए। मनीष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? संजय घर पर है अभी। बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। I love you ना। मनीष फोन रखो, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊं? मनीष, मैं आ रहा हूं। प्रिया, 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 ठीक तो हो तुम? हाँ, एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा खराब है इसीलिए बस। तो डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ अब। श्योर? या हेलो। अरे क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? मैं करूंगा ना कॉल बैक। मैं प्रेग्नेंट हूं। व्हाट? अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? डॉक्टर को दिखाया तुमने या अपने मन से ही बोले जा रही हो? अभी अभी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, ये खत्म करते ही मैं वहां आ रहा हूँ। ओके, और ये बात किसी से शेयर मत करना, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके प्रिया, तुमने मुझे बताया ना कि आई एम सो हैप्पी। वही हुआ जो कुदरत का नियम था। प्रिया मां बनने वाली थी और एक मां ही बता सकती है कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा किसका है, और इसलिए प्रिया जानती थी कि यह बच्चा संजय का नहीं, मनीष का है। पर प्रिया इस बात से हैरान परेशान थी जब मनीष को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसका रवैया एक झटके में बदल गया। जबकि दूसरी ओर संजय को जब यह खबर पता लगी तो वो फूला नहीं समाया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बाप बनने वाला है, और इस छोटी सी खुशी के बदले उसने प्रिया के कदमों में वो सारी खुशियां डाल दी जिसका उसने कभी उससे वादा किया था। और इस मुकाम पर पहुंचकर प्रिया को संजय और मनीष के बीच का असल फर्क दिखाई देने लगा। प्रिया, ये क्या है? तुम्हारा सपना और अब हमारा सपना आने वाले इस मेहमान के लिए, हमारे घर के पेपर्स, वो घर जिसका सपना तुमने और मैंने मिलकर देखा था। प्रिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे तुम्हारा वक्त चुराया है, पर वो सिर्फ तुम्हें सुख देने के लिए। सच, और ये तोहफा देखे तो तुमने मुझे खरीद ही लिया।
थैंक यू। सुनो, बच्चे की शक्ल तो बाप से बिल्कुल ही नहीं मिलती। हाँ, मैंने भी देखा, बच्चे की शक्ल बिल्कुल बाप से नहीं मिलती है। संजय, तूने नीचे सुना? औरतें क्या कह रही थी? और मुझे भी शक है कि बच्चा तेरा नहीं है। मम्मी जी, बोल, किसका बच्चा है? कहाँ से मुँह काला किया है तूने? ये आप क्या कह रही है? और संजय, तुम चुपचाप खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी पर गलत इल्जाम लगा रही है कि हमारे बच्चे की शक्ल तुम पर नहीं जाती है। ये कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी शक्ल कैसे किससे मिल सकती है? प्रिया, मेरी इतनी उम्र ये ऐसे नहीं हो गई है। अरे, मैं बच्चे को पालने में देखकर बता सकती हूँ कि ये बच्चा किसकी चाल चलेगा। संजय, तुम मानो या ना मानो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो तुम डीएनए टेस्ट करा लो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टॉप इट यार। मम्मी जी वैसे भी मुझे शुरू से तंग करती आई है क्योंकि मैंने दहेज नहीं लाया था, और अब तो इन्हें नया तरीका मिल गया है मुझ पर प्रेशर डालने का, ताकि मैं वापस अपने मायके जाऊं। हे भगवान, अपना पाप छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? स्टॉप इट प्लीज। देख, बड़े गुस्से में जा रहा है, लगता है बीवी के चक्कर में मालूम चल गया है। अगर मेरी बीवी के और वो कॉस की है ना, तो अच्छा नहीं होगा। अबे ट्रम्की का देता है वे? वो जो है मनीष, गोल्डन सारी हाउस के मालिक का बेटा, वो तेरे घर में आता है पीछे से, समझा? वे क्या समझता है वे अपनी बीवी को, सती सावित्री है क्या? पहले अपना घर देख, फिर हमसे बात करना। चल चल बेटा, चल। संजय, डीएनए टेस्ट के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट ले ली है और अगले हफ्ते बुलाया है बच्चे के डीएनए टेस्ट के लिए। क्या मेरा बच्चा लगा रखा है? एक काम करो, घंटा घर पे खड़ी होकर मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, नहीं तो एफएम रेडियो पे अनाउंसमेंट करवा दो। देखो प्रिया, मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। देखो, तुमने खुद सब कुछ खत्म कर दिया था, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? तो प्लीज प्लीज जाओ मेरे घर से, जाओ। मनीष प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। अरे अरे, मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? मैंने कहा था वो बच्चा पैदा करने को। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अगर तुम उस संजय को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को अपना लूंगा? तो हर्जी क्या है? संजय से ज्यादा मैंने खुद को तुम्हें सौंपा है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। और छोड़, अगले हफ्ते संजय बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगा, उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी और मुझे छोड़ देगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? अब जाओ, अरे जाओ यहाँ से। ऐसे भी मुझे कुछ नहीं पता तुम कहाँ कहाँ अपना मुंह मारती फिरती हो। जो अपने पति के ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? चलो जाओ। संजय डीएनए टेस्ट करवा के ये साबित कर देगा कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा के मैं साबित करूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। फिर देखती हूँ तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। प्रिया, प्रिया, प्रिया।
कर देना संजय, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मनीष का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे, उससे तुम्हारी बदनामी भी होगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इस बच्चे को तुम्हारी जिंदगी से दूर लेगा। ए, मुझे मार के क्या होगा? कसूरवार तो तेरी बीवी है। कसूरवार तो मैं हूँ कि मैंने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया, और उससे बड़ा कसूरवार तू है कि तूने उसका गलत फायदा उठाया। लेके जाओ इसे, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। ए, छोड़, कसूरवार तेरी बीवी है। संजय एक न्यायती मानवीय और संवेदनशील इंसान था। उसकी कोशिश के कारण एक नवजात की जान बची और उसने प्रिया को भी माफ कर दिया, लेकिन कानून ने नहीं। प्रिया को बहकाने, फुसलाने और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के जुर्म में मनीष पर केस चला और उसे एडल्ट्री के एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। अपने पति को धोखा देने के जुर्म में प्रिया को भी 6 महीने की सजा हुई। प्रिया को तो संजय ने अपना लिया, शायद इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई शिकार बनेगा तो वो होगा वो मासूम बच्चा। लिहाजा उसने उस बच्चे को अपना लिया और उसे अपना नाम भी दिया। लेकिन इस पूरे मामले में प्रिया कितनी कसूरवार थी? हमारे देश में 33.7% दंपत्ति ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से शादी करके नई जगहों पर जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पति काम पर जाते हैं तो पत्नी अक्सर घर में अकेली रहती है। वो चंद घंटे जब पत्नियां घर में अकेली होती हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, क्योंकि उसी वक्त मनीष जैसे भेड़िए घात लगाकर अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। लेकिन मनीष जैसे लोगों के मंसूबे तब तक कामयाब नहीं होते जब तक पति पत्नी के रिश्ते की कोई गांठ, कोई कमजोरी उनके सामने ना हो। इसलिए अपनी किसी भी परेशानी को आपस में बातचीत के जरिए सुलझाइए। मर्यादा की हद लांघने से मामले बनते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।